हे दोस्तों, फिल्मी टॉक के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। सबसे पहली और बड़ी खबर ये है कि पठान फिल्म का दूसरा गाना आने वाला है। जी हाँ, अभी बेशरम रंग की कंट्रोवर्सी चल ही रही है कि इस बीच फिल्म के मेकर्स ने अनाउंस किया है कि वो पठान फिल्म का दूसरा सॉन्ग लाने वाले हैं। बेशरम रंग को लेकर जो कंट्रोवर्सी हुई है उसे आप सबने तो सुना ही होगा। इतना ज्यादा बवाल हो गया है कि इस गाने की गूंज संसद भवन में भी सुनने को मिली है। लेकिन क्या सही में फिल्म बॉयकॉट हो रही है? अब ऐसा लग तो नहीं रहा है, क्योंकि आए दिन गाने और टीजर के व्यूज बढ़ते जा रहे हैं। लोग सोशल मीडिया पर फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि बॉयकॉट नहीं बल्कि उल्टा फिल्म का प्रमोशन हो रहा है। खैर, पठान फिल्म के मेकर्स ने एक फोटो रिलीज किया है और बताया है कि पठान फिल्म का दूसरा गाना 22 दिसंबर को रिलीज होगा। गाने का नाम झूमे जो पठान है। तो आप बेशरम रंग की इस कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। शाहरुख खान से जुड़ी एक और खबर ये है कि शाहरुख खान सलमान खान के साथ टाइगर 3 की शूटिंग अगले महीने स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि टाइगर 3 में शाहरुख खान का कैमियो देखने को मिलेगा, तो जनवरी के महीने में शाहरुख खान टाइगर 3 की शूटिंग स्टार्ट करेंगे और ये टाइगर 3 का आखिरी शेड्यूल होगा जो जनवरी एंड या फरवरी के शुरू में खत्म होगा। तो टाइगर 3 की शूटिंग भी बहुत ही जल्द खत्म होने वाली है। सलमान खान की ये फिल्म 2023 में दिवाली के मौके पर रिलीज होगी और बड़े मियां छोटे मियां फिल्म की शूटिंग भी जनवरी के महीने में स्टार्ट होगी। बड़े मियां छोटे मियां एक एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसमें अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ लीड रोल में नजर आएंगे। वहीं मलयालम शर्मा के जाने माने एक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन निगेटिव रोल में नजर आएंगे। तो इस फिल्म की शूटिंग 17 जनवरी से मुंबई में स्टार्ट होगी और जैसा कि कहा गया है तो ये फिल्म 22 दिसंबर 2023 को रिलीज होगी। और भोला फिल्म का एक नया मोशन पोस्टर रिलीज किया गया है। मोशन पोस्टर के साथ अजय देवगन जो डायलॉग बोलते हैं वो काफी अच्छा लग रहा है। कोई शक नहीं है कि ये फिल्म कैथी से काफी ज्यादा अलग होगी। तो देखते हैं फिल्म का टीजर ट्रेलर कब तक आता है। ये फिल्म 30 मार्च 2023 को रिलीज होगी। अभी कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि मोहनलाल डायरेक्टर लीजो जोस पेलिसेरी की अगली फिल्म में लीड रोल में नजर आएंगे। तो खबरों की माने तो फिल्म के टाइटल के अनाउंसमेंट 23 दिसंबर को की जाएगी। फिल्म की शूटिंग कुछ ही दिनों में स्टार्ट होगी और ये फिल्म भी 2023 में रिलीज होगी। और हरिहारा वीरामल्लू की अपडेट 31 दिसंबर को आने वाली है। खबरों की माने तो 31 दिसंबर को फिल्म का एक नया ग्लिम्स रिलीज किया जाएगा। तो देखते हैं 31 दिसंबर को क्या होता है। पवन कल्याण की ये फिल्म एक पीरियड एक्शन एडवेंचर फिल्म है जो 2023 में रिलीज होगी। Amazon Prime ने सीटाडेल सीरीज से वरुण धवन का फर्स्ट लुक शेयर किया है और कहा है कि वरुण धवन सीटाडेल के इंडियन स्पिन ऑफ की शूटिंग जनवरी 2023 में स्टार्ट करेंगे। ओरिजिनल सीरीज की बात करें तो सीटाडेल सीरीज को रूसो ब्रदर्स ने क्रिएट किया है और सीरीज में रिचर्ड मैडन और प्रियंका चोपड़ा लीड रोल में नजर आएंगे। तो इसी सीरीज की एक इंडियन स्पिन ऑफ सीरीज आ रही है जिसमें वरुण धवन और समांथा रुत प्रभु को साइन किया गया है और सीरीज को जाने माने डायरेक्टर राज एनडीके डायरेक्ट करेंगे। तो सीरीज की शूटिंग जनवरी 2023 में स्टार्ट होगी और ज्यादा चांसेस हैं कि ये सीरीज 2023 में ही देखने को मिलेगी। नानी की अपकमिंग एक्शन ड्रामा फिल्म दशहरा के आखिरी शेड्यूल की शूटिंग स्टार्ट हो गई है। बहुत जल्द फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो जाएगी और ये फिल्म 30 मार्च 2023 को रिलीज होगी। अवतार 2 का बजट रिवील हो गया है। अवतार 2 को $460 मिलियन यानी कि करीब 3,800 करोड़ के बजट में बनाया गया है। अब फिल्म कितना कलेक्शन करती है वो तो आने वाले टाइम पता चलेगा, लेकिन ये दुनिया की सबसे महंगी फिल्म है जिसे इतने बड़े बजट में बनाया गया है। अभी तक ये रिकॉर्ड पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन 4 के पास था जिसे $370 मिलियन में बनाया गया था, लेकिन अब ये रिकॉर्ड अवतार 2 के पास है जिसे $460 मिलियन के बजट में बनाया गया है। अपकमिंग कॉमेडी थ्रिलर फिल्म कुत्ते का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज किया गया है। काफी अलग कहानी लग रही है, साथ ही जिस तरह से ट्रेलर को दिखाया गया है वो भी काफी अच्छा लग रहा है। तो देखते हैं ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कैसी जाती है। अर्जुन कपूर फिल्म के लीड रोल में हैं, वहीं तब्बू नसीरुद्दीन शाह, कोकना सेन शर्मा, कुमुद मिश्रा और राधिका मदान अहम भूमिका में नजर आएंगे। तो आप सबको कुत्ते फिल्म का ट्रेलर कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।